सोसाइटीज़ के लोग और इन्वायरमेंटलिस्ट लोग जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मकसद एक ही है कि जम्मू के अंदर किस तरीके से जम्मू की जो लंग्स हैं उनको काटा जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। आप देखेंगे जम्मू से श्रीनगर तक जो रोड बन रही है, जम्मू से पुंछ तक जो रोड बन रही है, लाखों लाखों पेड़ काट दिए गए हैं और उसके बाद नए कोई पेड़ नहीं लग रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज को निचोड़ के डेवलपमेंट की जा रही है। और सबसे बड़ी बात अगर आप रैका में देखें, आप वहाँ पे हाई कोर्ट की बिल्डिंग बना रहे हैं, बट वहाँ पे लाखों पेड़ काटने की ज़रूरत क्या है? आज दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज आ रही है, इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं। आप देखो आए दिन रोज सुन रहे हो आप कि बिल्डिंग्स के अंदर क्रैक्स पड़ रहे हैं, किस तरीके से जम्मू से श्रीनगर का जो रास्ता बनाया जा रहा है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल फॉरेस्ट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करके किसके लिए डेवलपमेंट हो रही है? जब इंसानी जीवन ही नहीं रहेगा, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो डेवलपमेंट फॉर व्हाट? किसके लिए डेवलपमेंट? तो लिहाजा आज जितने सिविल सोसाइटीज के लोग हैं जहाँ पे इकट्ठे हुए, एकमात्र हाईकोर्ट की बिल्डिंग के लिए नहीं, हम जम्मू के फॉरेस्ट बचाने के लिए, देश के फॉरेस्ट बचाने के लिए, इस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें इकट्ठा होना होगा। अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हमें इकट्ठा होना होगा। और मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह जुडिशरी की बिल्डिंग बन रही है, अफसोस यह है कि वो जो जम्मू के एलीट क्लास, जो जिसे एलीट क्लास कहा जाता है, वो वकील आज उस जो है अपने जो फाउंडेशन स्टोन समारोह में वहाँ एकत्रित हुए, क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? एलीट क्लास क्यों नहीं विरोध कर रही है? क्या उनको सांस नहीं लेनी? क्या उनका फॉरेस्ट नहीं चाहिए? क्या उनको एनवायरमेंट नहीं बचाना है? एक बड़ा सवाल है। तो आज जम्मू की जनता को, एक रेशनल जो लोग हैं जम्मू के, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली लोग हैं, जो जीना चाहते हैं, एक लंबी आयु जीना चाहते हैं, हेल्थी लाइफ जीना चाहते हैं, उनको बाहर आना होगा। और इस तरीके कैसे जो डिज़ाइन है सरकार का, जो हिडन एजेंडा है कि किस तरीके से जम्मू के नेचुरल रिसोर्सेज को लूटना, उसके खिलाफ एकत्रित होकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा।